पोटेंशियल जी के बारे में आपने अभी तक क्या पढ़ा हुआ था? मतलब 9-10 अच्छा हाइट, चलो चलेगा ठीक है। सब मतलब हाँ, जब हम किसी चीज को ऐसे ऊपर फेंकते हैं तो जिस एनर्जी से वो ऊपर जाता है, मतलब ऊपर जाके वो स्टेबल होता है, तो जब हम उस पॉइंट से उसकी एनर्जी होती है पोटेंशियल मतलब होता है एनर्जी ड्यू टू चेंज इन स्टेट या पोजीशन बोलना चाहिए ना, कि मैं जैसे किसी में ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ से यहाँ रखता हूँ है ना, जैसे मैंने पेन को यहाँ से उठा के ना नीचे से यहाँ रख दिया, तो मैंने इसकी पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो उस पोजीशन को चेंज करने में जो मुझे वर्क करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल होती क्या है, डिफाइंड एज द एनर्जी इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स डिफाइंड एज द एनर्जी इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। ड्यू टू इट्स पोजीशन ठीक है। और आती कहाँ से एनर्जी है, जब आप किसी बॉडी को डिस्प्लेस करते हो है ना, तो जितना आप वर्क परफॉर्म करते हो वो वर्क उसमें जाके क्या होता है, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे मैंने ये पेन उठाया यहाँ से यहाँ, तो जो मैंने वर्क किया वो इसमें क्या हो गया, स्टोर हो गया ठीक है। फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है MgH है ना, अगर कोई किसी हाइट h पे है तो उसकी पोटेंशियल कितनी होती है, MgH ठीक। और हमारी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हमारी यहाँ पे मैकेनिक्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी की सारी एनर्जी की प्रॉब्लम्स MgH से सॉल्व हो जाती हैं। तो आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद होगा ना, मैं पेन को छोड़ूंगा तो ये नीचे आएगा तो कौन सी एनर्जी किस में जाएगी, पोटेंशियल काइनेटिक में चली जाएगी, याद आ रहा है कुछ, पेन को ऊपर फेंकेंगे तो काइनेटिक किस में चली जाएगी, पोटेंशियल में। पेन को ऊपर फेंकोगे तो काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, और पेन को ड्रॉप करोगे तो पोटेंशियल काइनेटिक में, याद आ गया ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ठीक है, ये तो याद आ रहा होगा। मतलब मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि हमारी मैकेनिक्स की सारी प्रॉब्लम्स, हाँ नहीं आप रिकॉल कर लो ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं क्या बोला आपको कि मैकेनिक्स की जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम MgH फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। लेकिन जहाँ पे ये सैटेलाइट वगैरह इन्वॉल्व होती ना, सैटेलाइट इन्वॉल्व है या कोई प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट के अराउंड घूम रहा है ना, उन प्रॉब्लम से हमारा काम MgH से नहीं चलता है, MgH का कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्या होता है, फेल हो जाता है ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी पार्टिकल के पास एब्सोल्यूट कितनी एनर्जी होती है ठीक है। जो हमने MgH पढ़ा था वो पता क्या होता है, वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के यहाँ लाऊंगा ना, तो उस पर क्या आएगा, वो जो चेंज हुआ है वो चेंज MgH होता है ना। तो अभी हम लोग क्या एज्यूम करते थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल जी कहाँ पे जीरो होती है, ग्राउंड पे जीरो होती है ना। कोई अगर ग्राउंड पे रखा है तो उसकी पोटेंशियल क्या काउंट करोगे आप, जीरो। और एच हाइट पे आ गया तो आप क्या बोलोगे, MgH। तुम्हारा रेफरेंस क्या होता था, ग्राउंड एक रेफरेंस होता था, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सारी एनर्जी को क्या करते थे, मेजर करते थे ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि जो हमारी सैटेलाइट की प्रॉब्लम्स होती हैं या कोई प्लैनेट किसी प्लैनेट के अराउंड घूम रहा है, उन सब प्रॉब्लम्स में हम ग्राउंड को रेफरेंस लेके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हमें बिल्कुल एब्सोल्यूट एनर्जी चाहिए होती है कि किसी पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी है ठीक है। तो देखो भाई सब सुनो आप लोग सारे बच्चे, कि सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से ना इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है तो उसकी एनर्जी को हम जीरो एज्यूम करते हैं। क्या बोला मैंने, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से कहाँ पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई अट्रैक्शन नहीं होता ना यार। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेकर चला जाऊँ तो वहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, तो वहाँ पे एनर्जी को क्या एज्यूम करते हैं, जीरो। लिखिए आप सबसे पहले कि एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी इज एज्यूम टू बी जीरो। क्लियर। जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत इन्फाइनाइट डिस्टेंस पर पड़ा है तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई, जीरो हो गई। और वैसे हम लोग क्या एज्यूम करते थे कि पोटेंशियल जी कहाँ पे जीरो होती है, ग्राउंड पे जीरो होती है। अब हम लोग कहाँ पे मान रहे हैं, इन्फाइनाइट उसकी एनर्जी कोई नहीं है, कोई एनर्जी नहीं उसके पास ठीक है, क्योंकि अर्थ का उस पर अट्रैक्शन ही नहीं है, और अट्रैक्शन ही तो उसके पास एनर्जी भी नहीं होगी ठीक है। अब कोई मुझसे कहता है भाई ऐसा है, मुझे ये बताओ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से
आर डिस्टेंस पे रखा हो, है ना, तो इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? क्लियर? कहाँ पे पता करना है मुझे? आर डिस्टेंस पे। हाँ नहीं नहीं क्वेश्चन हाइट नहीं, मतलब हमें यहाँ पे इसकी एनर्जी बतानी, किस पॉइंट पे, यहाँ पे किसकी? नहीं 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 अभी देखते हैं ये, ठीक है। अर्थ का मास कितना है? अर्थ का मास है नहीं, ठीक है। अब देखो पता क्या होगा, अगर मुझे इसकी यहाँ पे एनर्जी निकालनी है तो इसको कहाँ से लेके आऊँगा पता है? मैं इसको इन्फाइनाइट से लेके आऊँगा। पहले कहाँ पर रखा था ये? इन्फाइनाइट पे। जितना मुझे यहाँ तक लाने में वर्क करना पड़ेगा वो उसका क्या होगा बताइए? पोटेंशियल एनर्जी होगा। समझ गए ना? तो हमें पोटेंशियल एनर्जी की नई डेफिनेशन पता चल गई कि किसी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होती है उसको हम कहाँ पे जीरो मानते हैं? इन्फाइनाइट पे। और इन्फाइनाइट से आप लाके इसको कहाँ रखोगे? आप लाके इसको अर्थ पे रखोगे तो जो आपको वर्क करना पड़ेगा वो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखिए आप पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज वर्क डन, इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग, वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट वर्क डन ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। दोबारा रीड करना एक बार। पोटेंशियल इज ग्रेविटेशन, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट नियर अर्थ सरफेस विदाउट एक्सेलेरेटिंग इट। अब एक नई लाइन ऐड कर दी, विदाउट एक्सेलेरेटिंग इट। कैसे? मतलब इसको बहुत धीरे लाना है आपको, बहुत स्लो 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 पकड़ के लाना है कि उसमें वेलोसिटी नहीं आनी चाहिए। अगर वेलोसिटी आ गई तो क्या होगा बताओ? हमारा वर्क कहाँ जाएगा पता है? पोटेंशियल में भी जाएगा और साथ में काइनेटिक में भी जाएगा। अगर काइनेटिक में नहीं जा रहा है तो सारा वर्क कहाँ जा रहा है फिर बोलो? पोटेंशियल जा रहा है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हो इसके लिए हमने क्या बोल दिया आपको कि विदाउट एक्सेलरेटिंग इट बिल्कुल स्लो 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 ला रहे हो। जैसे पेन है ना, इस पेन को जब मैं बहुत धीरे धीरे लाऊंगा तो सारा वर्क कहाँ गया बताओ? मेरा पोटेंशियल में गया। अगर मैं इसको बहुत तेजी से लाऊं तो क्या होगा बताओ? तो मेरा वर्क कहाँ जाएगा? काइनेटिक में भी जाएगा और पोटेंशियल में जाएगा। अभी मुझे इससे किससे मतलब है? पोटेंशियल से मतलब है, इसलिए मैं क्या इंश्योर कर रहा हूँ कि इसको मैं मुझे कैसे लाना है? बहुत ही स्लो 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 लाना है। जब बहुत स्लो मूव करूँगा तो मेरा सारा वर्क कहाँ जाएगा? सारा वर्क मेरा पोटेंशियल जाएगा। क्लियर ना? तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई, नई डेफिनेशन आपको पता चली पोटेंशियल की, क्या कि इन्फाइनाइट पे कितनी होती है? जीरो होती है ना? और इन्फाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है वो क्या होता है? वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। इन्फाइनाइट पे हमने जीरो क्यों ले लिया है? क्योंकि जो हमारी सेटेलाइट की प्रॉब्लम्स होती हैं वो एमजीएच के फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होने वाली है। आपको पता चलेगा क्यों, ठीक है? इसकी डेरिवेशन है, इंटीग्रेशन से आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो देखिए भाई, आप सबको वर्क पता है ना, वर्क क्या होता है? वर्क क्या होता है भाई? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, सबको पता है ना? अच्छा, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? जब किसी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ के आसपास लाएंगे, ऐसे चलाएंगे, तो उस पर अर्थ का फोर्स कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? पहले फोर्स बताओ क्या होता है, क्या होता है फोर्स? जी एम ई एम बाई एक्स स्क्वायर, है ना? और x क्या हो रहा होता है? अगर आप x को चेंज करेंगे तो क्या होगा? आपका फोर्स भी चेंज करेंगे। बात समझ में आ गई आपको? तो फोर्स कैसा है? कांस्टेंट फोर्स नहीं है ना। तो अब आप मुझे, आप सारे बच्चे बताएं कि वैसे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, होता है, सबको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मेरा फोर्स वेरिएबल हो जाए, हर जगह बदल रहा हो फोर्स, तो वर्क डन कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन से निकलता है। मैंने आपको कई बार बोल रखा है, आप दिमाग में बिठाइए कि अगर कभी भी फिजिक्स में आप दो क्वांटिटीज को आपस में क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें एक क्वांटिटी दूसरे के साथ वेरी हो रही है, तो वहाँ पे हमेशा फॉर्मूला किसका बनता है? इंटीग्रेशन का। सर डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, होता है, लेकिन जब वेलोसिटी वेरी करती है तो क्या बनता है? इंटीग्रेशन वीडीटी। समझ गए ना? तो अभी वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा? आप सारे बच्चों मुझे बताएं क्या फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेशन का?
वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। क्लियर है? चलो भाई ये बात आपको क्लियर हो गई। अब देखते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। एक्स डिस्टेंस पे पुट किया, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी एक्स, ठीक है। फिर मैंने इसको थोड़ा सा चलाया, कितना ए बी, अभी आप देखते रहिए बाद में फिर पॉइंट्स, ठीक है, फिर आप देखते रहिए सब सारे बच्चे, समझ लिया। कितना चलाया मैंने इसको डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, नोट बाद में करना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस किया, ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू बी, है ना, ए टू बी, ठीक है। तो बताओ भाई कितना वर्क करना पड़ेगा मुझे, कौन बताएगा? अच्छा इसमें फोर्स कितना है बताओ आप, अर्थ का फोर्स कितना होगा, कितना होगा, जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। तो अगर मैं इसको धीरे से ऐसा खींच रहा हूँ तो मुझे भी तो अर्थ के बराबर ही फोर्स लगाना पड़ेगा। सुना आप लोगों ने क्या बोला मैंने, अभी बाद में नोट करना, सब सुनते रहिए पहले, नोट बाद में करना। अर्थ का फोर्स कितना है इस पर बताइए, जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर है या नहीं है, किधर है, इस पर अट्रैक्शन फोर्स होगा। और मैंने इसको कितना पुल किया आगे, डी एक्स, हाँ मैंने यहाँ से यहाँ ले गया मैं इसको, ठीक है। तो बताओ मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, जो इसको वर्क डन होगा इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, कौन बताएगा मुझे भाई, जी एम ई एम अपॉन, ये मेरा फोर्स होगा नहीं होगा भाई, जितना अर्थ का फोर्स होगा उतना एग्जैक्टली मेरा भी फोर्स होगा। अर्थ इसको क्या चाहती है, कहाँ जाइए, अंदर गिर जाए, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऐसे खींच ले रहा हूँ डी एक्स। तो ये मेरा वर्क डन हो गया कितना, एफ इंटू डी एक्स, बताओ समझ में आया, एफ इंटू डी एक्स, ये कौन सा वर्क आ गया, सर भी क्लियर है, कौन सा वर्क है, ए टू बी वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, मैंने एक स्मॉल डिस्टेंस का वर्क डन निकाल दिया, ठीक है। इस वर्क डन को मुझे छोटा सा वर्क डन है, इसमें इसको क्या लिखूंगा, डी डब्ल्यू, बताओ समझ में आ रहा है, ये मेरा फोर्स, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल वर्क स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है मुझे बताओ, अब डेफिनेशन क्या होती है बताओ आप सारे बच्चे, मुझे डेफिनेशन क्या होती है पोटेंशियल जी की, अभी लिखाइए आपको बताइए, वर्क डन कहाँ से कहाँ तक लाने में, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, ये तो हमने पढ़ा भी पोटेंशियल जी में। तो एक काम करते हैं, अब सपोज करो मुझे यहाँ से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल जी निकालनी थी एट पॉइंट पी, ठीक है। तो अब बताओ आप लिखे नेट वर्क डन, अच्छा आप लिखे नहीं, पहले मैं लिख देता हूँ सारा यहाँ पे, लिखे आप नेट, लिखे नहीं देखते रहिए, नेट वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, कहाँ से लाया मैं इसको, इन्फाइनाइट से कहाँ पे लाया, पॉइंट पी पे। तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको लिमिट लगानी पड़ेगी, लिमिट किसकी लगती है, जो वेरिएबल होता है उसकी लिमिट लगती है, जैसे हमारा काइनेमेटिक्स में लिमिट टाइम की लगती थी, यहाँ पे कौन वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, लिमिट किसकी लगेगी, एक्स की। तो जो हमारा नेट वर्क डन होगा उसको हम लिखेंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और क्या लिखेंगे, जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और लिमिट कोई गेस कर सकता है कहाँ से कहाँ तक लगेगी, पहले एक्स की वैल्यू कितनी थी, इन्फाइनाइट थी एक्स की वैल्यू पहले, फिर x की वैल्यू कितनी हुई बताइए आप, r, समझ में आ रहा है आपको। तो वर्क पावर एनर्जी में पता चलेगा आपको कि जब भी कभी वर्क निकालते हैं ना तो किसकी लिमिट लगाते हैं, x की लिमिट लगाते हैं कि x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी से कहाँ तक, r। क्या कॉन्स्टेंट है बताइए, जी एम ई एम, ये कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, टी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, इन्फिनिटी टू आर, तो जी एम ई एम बाहर आ गया, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, माइनस टू डी एक्स, इन्फिनिटी से कहाँ तक, और
किसी को इसका इंटीग्रेशन याद है, फॉर्मूला याद है, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, क्लियर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए आप, एक्स पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, और लिमिट कहाँ है, इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। ये क्या बन गया, जी एम ई एम एक्स की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन इन्फिनिटी टू आर। तो जी एम ई एम कितना देगा, माइनस वन अपॉन एक्स है ना, और इन्फिनिटी टू क्या होता है आर, पहले आर पुट करते हैं तो कितना आएगा, माइनस जी एम ई एम बाई आर एंड माइनस अपॉन क्या, और इन्फिनिटी में आप होता है जीरो हो जाता है, तो कितना आ गया सॉल्व करके, तो फाइनली मुझे पता चला कि कितना वर्णन करना पड़ा मुझे, जो मेरा वर्णन हो गया वही क्या बताइए, वही पोटेंशियल चाहिए, एन इज इक्वल टू कितना, माइनस जी एम एम बाई आर। तो देखिए बिल्कुल ही बिल्कुल नया सा फॉर्मूला आ गया आपके लिए, किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी का नया फॉर्मूला। हमने एम जी एच पढ़ा था, वो फॉर्मूला कहाँ से होता था, वो ग्राउंड रिस्पेक्ट में होता था, ये फॉर्मूला आया है माइनस जी एम एम बाई आर कहाँ से, एज्यूमिंग जीरो एनर्जी एट कहाँ, इन्फिनिटी में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, स्कूल में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हाँ मतलब क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कुछ भी समझ लो, इम्पॉर्टेंट है, कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ से ऑब्जेक्ट उठा के ना मुझे इसको एच हाइट पे करना है, तो इसमें वर्क डन निकालना है, ठीक है। कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट एच, नहीं जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है कि आप किस सरफेस से किसी को ले जा रहे हो उठा के काफ़ी हाइट पे है ना, तो हमेशा आप यही फॉर्मूला यूज करोगे, कौन सा, जो अब आपने नया फॉर्मूला पढ़ाया एनर्जी का, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे कितनी एनर्जी होगी, ए पे बताइए आप लोग कितनी एनर्जी होगी, माइनस फॉर्मूला क्या होता है, जी एम ई एम अपॉन आर के बेस पे क्या आएगा, आर ई, ये एनर्जी आएगी यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं इसको कहाँ लेगा, एच हाइट ऊपर ले गया, बताइए वहाँ पे कितनी एनर्जी होगी, कितनी होगी, माइनस जी एम ई बाई अपॉन कितनी, आर ई प्लस एच, ठीक है। ये एनर्जी हो गई कहाँ पे, एच हाइट पे, और कितना वर्क करना पड़ेगा, जो इसकी एनर्जी पे चेंज आया होगा वो आपका वर्क ही तो होगा, क्यों, जब मैं ऑब्जेक्ट उठा लेके उठा के ले गया तो उसकी जो एनर्जी में चेंज आया होगा वही तो वर्क डन होगा ना। तो काम करते हैं इसकी फाइनल एनर्जी से इनिशियल को कर देते हैं माइनस, ठीक है। माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताइए, ये आएगा माइनस जी एम एम बाय आर ई प्लस एच, और माइनस करिए माइनस जी एम ई एम बाय आर ई, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए, देखिए क्या बन रहा है फॉर्मूला का, क्या कॉमन आएगा भैया, जी एम ई एम में कॉमन आ जाएगा ना, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, आर ई माइनस वन बाई आर ई प्लस एच, ठीक है। जी एम ई एम बाहर ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा इसका, आर ई प्लस एच है ना, और ऊपर कितना आएगा, आर ई प्लस एच माइनस आर ई है ना, तो आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल के बाद क्या बचेगा बताइए आप मुझे, बोलो भाई क्या आएगा, जी एम ई एम और ऊपर एच बच रहा है ना, और नीचे कितना, आर ई प्लस एच, ठीक है।
नोट किया था क्या आपको फॉर्मूला याद रहा है कि स्मॉल जी कितना होता था, कितना होता था जी एम ई बाई आर स्क्वायर। ये आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, भी करवाया था एक दो टर्न पहले आपको, जी एम ई बाई आर स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, यहाँ से पता चलता है कि जी एम ई को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी एम ई को जी आर स्क्वायर, है ना। तो अगर जी एम ई को जी आर स्क्वायर लिख देंगे तो आप बताइए फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा। यहाँ पे मैंने जी आर स्क्वायर लिख दिया, तो जी आर स्क्वायर इंटू एम इंटू एच अपॉन कितना है आर ई। और एक काम करिए था, देखिए यहाँ से आर ई और कॉमन लेते हैं, देखो भाई हाँ यहाँ से जी एम ई प्लेस से कितना पुट किया, जी आर स्क्वायर इंटू एम एच अपॉन आर ई प्लस एच। मैं बोला था यहाँ से आर ई और कॉमन ले लो, तो जब यहाँ से मैं आर ई कॉमन लूँगा तो क्या होगा, तो कितना आएगा बताइए आर ई कॉमन लेने पे, अर्नो बोलो आर ई कॉमन लेंगे तो ये वन आ जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, कॉमन का मतलब तो डिवाइड कर देना, ये तो मतलब होता है ना। तो ये आर ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बताइए बताइए। ये फॉर्मूला हमें ड्राइव करना था कि इतना वर्क करना पड़ता है या इतना क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चाहे तो आप इसको बोलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या आप इसको बोलें क्या कि इतना वर्क करना पड़ता है एम जी एच अपॉन वन प्लस एच बाई आर ई। अब देख लीजिए लिखना बाद में, अगर एच बहुत छोटा हो दो चार पाँच दस किलोमीटर हो तो क्या होगा बताओ, आर ई कितना होता है 6400 किलोमीटर, किसकी वैल्यू आर ई की। तो सोचो मैं किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से 10 किलोमीटर ऊपर ले जाऊं, तो जब आप 10 को 6400 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, इसको इग्नोर मार सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा जो हमने छोटी क्लास में पढ़ रखा है, उसका जो हमने फॉर्मूला छोटी क्लास में पढ़ रखा था एम जी एच, वो फॉर्मूला थोड़ा सा गलत था। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला एग्जैक्ट फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, कितना कि किसी ऑब्जेक्ट को एच हाइट उठाने पे कितनी एनर्जी आती है एम जी एच अपॉन वन प्लस एच बाई आर ई। और वो फॉर्मूला हमारा सही नहीं था बट हमारा काम चल जाता था, समझ रहे ना। तो इफ एच इज वेरी वेरी स्मॉल, ऐसे लिखेंगे आप, इफ एच इज लेस लेस देन आर ई, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए। अरे वन प्लस एच बाई आर ई को जीरो कर देंगे ना, अगर एच आर ई से क्या हो बहुत छोटा हो, मतलब पाँच दस किलोमीटर ले जाओ आप तो आप एम जी एच फॉर्मूला लगा सकते हो, समझा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताइए आप पोटेंशियल जी का, एम जी एच ये आपको इतना वर्क करना पड़ेगा अगर एच की वैल्यू क्या है बहुत ही कम है तो। क्लियर, मतलब अप टू 100 किलोमीटर, ठीक है। अब जो मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ समझे, ये जेई में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है, स्कूल में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हाँ चलो क्वेश्चन, अच्छा कॉपी कर रहे हो, चलो कॉपी कर लो फिर कराता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा था मैं आपको, हाँ मैंने बताया ये जेई में भी आया क्वेश्चन है, नीट में भी और स्कूल में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट एच इज इक्वल टू आर ई। मतलब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ उठा के ले गया, अर्थ के सरफेस से उठा के कहाँ ले गया, जितनी अर्थ की रेडियस है ना उतने ही ऊपर लेकर चला गया मैं, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आएगा या मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। आप भी सॉल्व करते रहिए, मैं भी सॉल्व करता हूँ साथ में। देखिए एम जी एच बाई क्या, वन प्लस एच बाई आर ई, एच के प्लेस पे आप आर ई पुट करोगे तो कितना आएगा बताइए, एम जी आर ई बाई वन प्लस वन, कितना आ गया आंसर, हाफ एम जी आर ई। और जो अभी तक हमने पढ़ रखा था उसके हिसाब से क्या आंसर बनता है, देखो अगर हमने जो 9-10 में पढ़ रखा है कि किसी ऑब्जेक्ट को एच हाइट ले जाने पे जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है वो एम जी एच होता है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि आंसर क्या आना चाहिए, लेकिन आप देखो कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है, कितना आ रहा है हाफ एम जी आर ई, ठीक है। ये अभी किया आपने तो आपको ऐसी लग रहा है, हमने बता दिया ना आपको फॉर्मूला, ठीक है। तो आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, उसका साइन बनाते हो टेंशन एनर्जी का,
पोटेंशियल का साइन यू, यू कैसा या कुछ भी बना दो, नहीं नहीं वो यू है बस, कोई भी यू बना दो, बड़ा वाला यू, कैपिटल यू, ठीक है। चलो शायद कुछ छोड़ते हैं, है ना। तो मैम इनको ग्रैप